नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम है ओमी और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं अपना लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा इस सिरप का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ में एक सिरप की बोतल पकड़ रखी है। आज मैं आपको इसी सिरप का रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आज मैं आपको सबसे पहले इस सिरप का नाम बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को आप किन किन बीमारियों में यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को यदि आप मार्केट में ले जाते हैं कितने रुपये पड़ेगा, यानी कि मैं आपको इस सिरप का मार्केट प्राइस बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को यदि आप सेवन करते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सिरप को आपको कब लेना कब नहीं लेना, लेने से पहले क्या सावधानियां बरतनी क्या प्रिकॉशन बरतनी, आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आपको इस सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस वीडियो को। मैं जिस सिरप के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है लेक्टू, देख सकते हैं जहां मेरा अंगूठा रखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है लेक्टू। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस लेक्टू सिरप में हमें क्या बेसिक सॉल्ट के रूप में मिल जाता है। तो यहां देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है लेक्टू लो सोल्यूशन यूएसपी, यानी इस लेक्टू सिरप में हमें ये लेक्टू लो सोल्यूशन मिलता है बेसिक सॉल्ट के रूप में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस लेक्टू सिरप के यूजेज के बारे में। तो मैं आपको एक एक करके इसके यूजेज बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो है कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है कब्ज की बीमारी है तो उस समय आप इस लेक्टू सिरप का सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाभकारी होता है कब्ज की बीमारी को दूर करने में। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है फॉर रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर आपको कब्ज की बीमारी है तो उस समय आप इसका सेवन कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया होता है बहुत ही लाभकारी। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे यूजेस की, तो वो है हेपेटिक एंसेफलोपैथी। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका लीवर कार्य करना बंद कर देता है, जिसके कारण आपका जो ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है, यानी एबनॉर्मल कार्य करना शुरू कर देता है, तो उसे कहते हैं हेपेटिक एंसेफलोपैथी। जी हाँ, अगर आपको भी हेपेटिक एंसेफलोपैथी की बीमारी है तो उस समय आप इस लेक्टू सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप इन दोनों बीमारियों में इस लेक्टू सिरप का जब ही सेवन करना स्टार्ट करें, जब आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें संपर्क कर लें, उसके बाद ही आप इसका सेवन स्टार्ट करें। क्योंकि जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खास तौर से आपको केवल सिर्फ और सिर्फ लेक्टू सिरप की संपूर्ण जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। जी हाँ, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस लेक्टू सिरप के पैकिंग के बारे में। तो चलिए, जैसा कि आपको मैं बता देता हूं कि जो मैंने अपने हाथ में बोतल पकड़ रखी है वो कुछ प्लास्टिक की बोतल है। जी हाँ, देख सकते हैं मैं इसको दबा रहा हूं, ये प्लास्टिक की बोतल होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। जी हाँ, ये ब्राउन कलर की बोतल है, देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको सिरप इसमें झलकता हुआ नजर आ जाएगा। जी हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार की इसकी पैकिंग होती है जिसमें का जो ढक्कन होता है सिल्वर कलर का होता है। जी हाँ, और देख सकते हैं इसमें एक स्टिकर चिपकी होती है जिसमें आपको इस लेक्टू सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें प्रिंट आपको मिल जाएगी। जी हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें मिलने वाले क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे की ओर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 100 ml, यानी नीचे की ओर देख सकते हैं लिखा हुआ है 100 ml, यानी 100 ml आपको इस बॉटल में मिलता है जो कि मैंने अपने हाथ में पकड़ रखी है। चलिए अब हम बात करते हैं ये आपको कितने रुपए पड़ेगी यानी इसके प्राइस की, तो ये मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MRP रुपीज़, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 100 ml आपको ये 115 rupees का मार्केट में मिलेगा। जी हाँ, और हम बात करते हैं इसके मैनुफैक्चर डेट एक्सपायरी डेट की, तो यहाँ मैनुफैक्चर डेट जो है वो अक्टूबर 2018 की है और इसकी जो एक्सपायरी है वो है सितंबर 2020 की, यानी इसमें आपको 3 साल मिलते हैं। इस बीच ना ही इसके इंग्रेडिएंट्स खराब होंगे ना ही ये सोल्यूशन खराब होगा। जी हाँ, तो मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएं तो सबसे पहले आप उसका मैन्युफैक्चर डेट देख लें, एक्सपायरी डेट देख लें जरूर, जिससे आपका ही बेनिफिट होगा आपका ही लाभ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में, अगले कंपोजिशन के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक ही इंग्रेडिएंट मिलता है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ ईच 15 ml कंटेंस
यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है लेक्टुलो सोल्यूशन यूएसपी 70%, यानी कि यहाँ देख सकते हैं लिखा 10 mg। इसका जो आपको फ्लेवर मिल जाता है इसमें वो है पहला टेबल बेस है, जी हाँ यहाँ देख सकते हैं क्यूएस लिखा हुआ है, और इसमें आपको जो कलर मिलता है सिरप का वो है पॉन्सिया 4R, जी हाँ देख सकते हैं लिखा हुआ पॉन्सिया 4R। और उसका दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ डोजेज, जो मैंने आपको बताया कि आप इसका इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह लिए नहीं करेंगे, वही चीज यहाँ पर दे रखी है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका रख रखाव दे रखा है, वो है स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, इसको आपको कूल और डार्क प्लेस पर रखना है एट ए टेम्परेचर 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए एंड 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 15 डिग्री पर रखें या 30 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए। अवॉइड सब फ्रीजिंग, यानी इसको आपको जमाना नहीं है। इसका देख सकते हैं लिखा मेडिसिन कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी कि इस मेडिसिन को आपको अपने बच्चों के बहुत से दूर रखना है, और चेक वेल बिफोर यूज, यानी कि इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे अच्छे तरीके से हिला लेना है। जी हाँ, अब हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी इस सिरप को जो यहाँ इंडिया बनाती है कंपनी वो है जिनिका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है वो बताना चाहूँगा, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है शुगर फ्री, यानी कि इस सिरप को डायबिटीज़ के पेशेंट भी इसका सेवन कर सकते हैं, जी हाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है शुगर फ्री। तो अब हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको कुछ चीज़ें और, तो यहाँ देख सकते हैं जो इसका मैन्युफैक्चर फॉर, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जेजकेम, जी हाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है जेजकेम, जी हाँ यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस लेक्टू सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो मैं आपको एक एक करके इसके साइड इफेक्ट बताना चाह रहा हूँ, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट है वो है नौजिया, यानी कि अगर आप इस लेक्टू सिरप का सेवन कर रहे हैं अगर आपको ये साइड इफेक्ट करता है तो आपका जी मिचलाने लगेगा, जी हाँ। और उसका जो दूसरा है वो है वॉमिटिंग, यानी अगर आप इस लेक्टू सिरप का सेवन कर रहे हैं अगर आपको ये किसी कारण से अगर साइड इफेक्ट कर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ आने लगें, तो आप समझ जाएँ कि आपको साइड इफेक्ट कर गया है लेक्टू सिरप। और साथ ही साथ अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं लेक्टू सिरप का और अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, अगर आपको 2-3 दिन ऐसा महसूस हो, तो आप समझ जाएँ कि आपको लेक्टू सिरप जो है ये साइड इफेक्ट कर गया है, जी हाँ। और उसके बाद तो मैं जो अभी आपको मैंने बताया वो सभी इसके यूज मतलब साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आपको इनमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत इसको लेना बंद करें, इसका सेवन बंद कर दें, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, संपर्क करें। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानियों के बारे में, तो मैं आपको इसकी सावधानियां बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा और उन्हें याद भी रखिएगा। तो सबसे पहला जो इस लेक्टू सिरप का जो सावधानी है या कह ले प्रिकॉशन है वो है कि अगर आप महिला हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं उस दौरान आप इसका सेवन नहीं कर सकती हैं लेक्टू सिरप का, और यदि करना भी चाहती हैं तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेंगे, संपर्क करेंगे, उसका डोज एडजस्टमेंट जाने, उसके बाद ही आप इसका सेवन करना स्टार्ट करेंगे, अन्यथा आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अगर आप महिला हैं, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उस समय भी आप इसका सेवन करना चाहती हैं लेक्टू सिरप को तो नहीं कर सकती हैं, और यदि करना भी चाहती हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगी, संपर्क करेंगी, उसके बाद ही आप इसका सेवन करना स्टार्ट करेंगी, यदि अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं उस दौरान। और साथ ही साथ अगर आपको लीवर संबंधी किसी प्रकार की बीमारी तो उस समय आप इसको ले तो सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना होगा, उसके बाद ही आप इसका सेवन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसमें सोल्यूशन मिलता है, यानी इसमें लेक्टू सिरप में आपको जो सिरप मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, वो अगर गाढ़ा हो जाए या वो डार्क हो जाए तो अगर उसमें स्मेल वगैरह अगर बेकार से आने लगे तो उसको आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, इसको तुरंत ही उठा करके डिस्ट्रॉय कर दें या फेंक दें। और साथ ही साथ अगर आपको किडनी से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी हो, उस समय आप इस लेक्टू सिरप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे, सलाह लेंगे, उसके बाद ही आप इसका सेवन करना स्टार्ट करेंगे, जी हाँ। तो मैंने जो आपको बताया वो सभी इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियां हैं, आप इन्हें बहुत ही ध्यान से दिमाग में बैठा लें, उसके बाद ही आप इस लेक्टू सिरप का सेवन करना स्टार्ट करें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इस लेक्टू सिरप के बारे में, यदि आपको किसी प्रकार का सवाल हो आपको मन में, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पर अपना सवाल लिख के छोड़ दें, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।